तो गाइज, अगर आप लोग अमरकंटक आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि किसी भी जगह पे जाओ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वहाँ पे मेन स्पॉट्स क्या है जहाँ पे आपको जाना चाहिए। पेंडा रोड अमरकंटक का क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है। स्टेशन के जस्ट बाहर से आपको मिल जाएगी टैक्सी एंड बसेज, जिससे आपको जाना हो अमरकंटक के लिए। जंगल के बीचों बीच से होते हुए आप पहुँचोगे सीधा अमरकंटक, और यहाँ पर होटल तीर्थम बुक करो, रिकमेंडेड है। तो यहाँ पे बारिश ऐसी नॉर्मली कभी भी होती रहती है कि आज ही हुई है बहुत टाइम बाद? कभी भी होती रहती है, कभी भी हो जाती है यहाँ पे बारिश, मतलब अच्छा मौसम रहता है हमेशा जी। यह है कल्याण सेवा आश्रम। अमरकंटक में आपको बहुत सारे ऐसे आश्रम देखने को मिलेंगे सब जगह। नर्मदा नदी है ये बाजू में जो बह रही है। इस प्लेस का नाम है चक्र तीर्थ। नर्मदा नदी इस आश्रम को चक्कर लगाते हुए बहती है। ये नर्मदा का छोटा सा रूप है, क्योंकि माँ नर्मदा अमरकंटक से निकल के गुजरात अरेबियन सी तक जाती हैं। इनकी लंबाई 1320 किलोमीटर है, और ये सारे क्षेत्र पे नर्मदा नदी का बाल रूप माना जाता है। कपिलधारा वो स्थान है जहाँ पे तीन पहाड़ियों का मिलन स्थल होता है, सतपुड़ा, विंध्य और मैकल। आपको लेफ्ट में सतपुड़ा, राइट में विंध्याचल और अमरकंटक की सारी पहाड़ी मैकल है। तो पुराणों में ऐसा वर्णन है कि जब भगवान शिव ने विष को पिया तो वो विष उनके कंठ में आके रुका। फिर शिव जी ने तपस्या किया, और तपस्या के दौरान शिव जी के कंठ में जो विष जमा था वो श्वेत पसीना बिंदु के रूप में निकल के एक कन्या का रूप धारण किया, और वो कन्या माँ नर्मदा है। इसीलिए नर्मदा जी को शिव पुत्री कहा गया, शिव जी के कंठ से निकली। इसके नाम पे क्षेत्र का नाम है अमरकंटक, जिसका सुदर्भ रूप अमरकंटक है। और यहाँ पे कपिल मुनि ने तपस्या किया, इसलिए धारा का नाम कपिल धारा है। और थोड़ा नीचे आप जाएंगे आधा किलोमीटर नीचे तो दुग्ध धारा है, जहाँ पे दुर्वासा ऋषि को माँ नर्मदा ने दुग्ध धारा रूप में दर्शन दिया। ये दो झरने हैं यहाँ। सो गाइस, अभी भैया ने आपको बताया कि अमरकंटक का नाम अमरकंटक क्यों है, और हम अभी जो वाटरफॉल जा रहे हैं उनके नाम के बारे में भी सब बताया। ये हम कपिल धारा एंट्रेंस पे पहुंच गए। एक्चुअली मोबाइल का कवरेज नहीं होता है, तो आपको क्या है कि जाना है और घूम फिर के आना है। एक जगह में मेरी गाड़ी स्थायी रूप से खड़ी रहेगी। ये सतावर है कमजोरी, जैसे असली ये गैस के लिए जंगली अदरक, इसके रूप का होगा। ये सतावर है कमजोरी ताकत में, जो उसमें काम देता है ये वाला। ये सब उसी के पाउडर है, जड़ी बूटी के। कपिल धारा आप ऊपर से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको वाटरफॉल में नहाने का शौक है और अगर ज़्यादा एडवेंचर करने का शौक है तो आप नीचे भी जा उतर सकते हैं यहाँ से। बारिश होने लगी भाई। यहाँ से अभी हम लोग उतर के आए थे। नीचे उतरने के बाद लेफ्ट साइड में कपिल धारा है और राइट साइड में दूध धारा है। यहाँ से अंदर भी अच्छी खासी गुफा बनी हुई है। नर्मदा का पानी यहाँ से निकल रही है कपिल धारा, सब नहा रहे हैं वहाँ पे। यहाँ पर ओपन में कहीं पे कुछ भी मत खाना, यहाँ पे बंदर आके छीन लेते हैं आपको खाना, कुछ भी खा रहे हो। इको पॉइंट जा रहे हैं हम लोग अभी। ये देखो,
ये इको पॉइंट नहीं है एक्चुअली में, एको पॉइंट है। यहाँ पर आवाज़ एको करती है। यहाँ से हाँ, ये रास्ता जो सीधा जा रहा है ना, हाँ। ये लक्ष्मण धारा के लिए जा रहा है, और इसी में यदि वो सामने से नदी क्रॉस करेंगे, थोड़ा सा पत्थर वत्थर रखें, नदी क्रॉस करके वो व्हाइट वाला चेक डैम देख रहे हैं, उसके बाजू से जाएंगे तो शंभू धारा है। शंभू धारा बहुत अच्छा है, उसमें भी क्या है कि आपको ये साइड से कहाँ जा रहे हैं लोग? इस साइड से वो यात्रा वाले हैं, वो यहाँ से और दूर तक कुछ मंदिर होगा वहाँ तक जाएंगे। हम निकल रहे हैं ट्रैकिंग पे जंगल में। मैं अकेला हो ना जाए अकेला। ये ट्रीज के ऊपर अभी मार्क्स बने हुए। भाई उन्होंने मुझे बोल दिया आगे चलने को, मैं चल चलते ना जाने कहाँ पहुंच गया हूँ आगे आगे। चारों तरफ है सुनसान जंगल। अब मैं आ गया हूँ सर्वोदय दिगंबर जैन टेंपल में। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और वेल बिल्ट टेंपल है ये। माँ नर्मदा बाल रूप में खेलने आती थी, इसलिए इसको माई की बगिया कहते हैं। जो थी भगवान शिव की बेटी हैं, सोन ब्रह्मा के पुत्र हैं। नर्मदा जी का विवाह संबंध सोन के साथ में तय हुआ, और विवाह के दौरान नर्मदा अपनी दासी से बोली, जिसका नाम जोहिला है, जाओ देख के आओ सोन बारात लेकर आई कि नहीं। तो उनकी दासी कहती है, यदि हम इन कपड़ों में जाएंगे तो सभी बाराती हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो नर्मदा कहती है, अच्छा तुम मेरे कपड़े पहन लो। और नर्मदा का वस्त्र और श्रृंगार करके जब दासी मंडप में जाती है, तो सभी बाराती दासी को नर्मदा समझ के विवाह मंडप में बैठा लेते हैं, सोन से दासी का शादी करा देते हैं। और जब नर्मदा को इसका पता चलता है तो वो क्रोध में आ जाती हैं और कहती हैं कि सोन, अब भविष्य में मैं तुम्हारे साथ कभी मिलाप नहीं करूंगी। उसके बाद नर्मदा पूर्व से पश्चिम बह के अरब सागर चले गई और सोन नदी बंगाल की खाड़ी की ओर चले गए, ऐसी मान्यता है। बंद है ये? हाँ, उतर के देखना पड़ेगा। वो श्री यंत्र का मंदिर है, ये मंदिर का प्रवेश द्वार है। गूगल में अमरकंटक का वेबसाइट खोलते है ना, तो सबसे पहला फोटो इसी मूर्ति का आता है। ये है श्री यंत्र मंदिर। इसके एंट्रेंस पे फोर डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ फेस बने हैं, चार अलग डायरेक्शन में। एंड ये टेम्पल 1991 में बनना चालू हुआ था, बट अब तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मंदिर को बनाने के लिए गुरु पुष्य नक्षत्र का टाइम शुभ रहता है, और वो सिर्फ साल में 4 से 5 दिन पड़ते हैं। यह है एंशियंट टेम्पल्स ऑफ कलचुरी। इसे अब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। यह है नर्मदा उद्गम मंदिर का एंट्रेंस। दिस इज द ओरिजिन ऑफ नर्मदा रिवर। अब मैं जा रहा हूँ माई की गुफा में। यहाँ के टूरिस्ट लोकल गाइड से बहुत ज़्यादा सावधान रहना आप लोग। पास पास के 4-5 जगह बोल के 2 से 3 हज़ार रुपये मांग लेंगे आपसे।
माई की गुफा में जा रहा हूँ मैं। अगर आप लोग यहाँ पे अकेले या फिर दो से तीन लोग भी आ रहे हो तो टैक्सी मत करना, बिल्कुल भी ऑटो करके घूम लेना, क्योंकि यहाँ पे कुछ सब आसपास में ही है, मतलब नहीं टैक्सी करके बहुत ये लोग ज़्यादा लूटते हैं। अमरकंटक आके हर एक छोटी जगह जाने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है, ये लोग पैसों के लिए 8 से 10 जगह बता देंगे आप, बट आप कोई भी 3 से 4 स्पॉट्स को पिक करके पूरे डे इन्जॉय कर सकते हो। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।